सो रिद्धिमा, बहुत बहुत स्वागत है तेली खजाना में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे नए शो को लेकर? राजमहल जल्द आ रहा है शिमारू उमंग पर, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग इसका प्लॉट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहली बार मैं फैंटेसी ड्रामा का हिस्सा हूँ। और चंद्रलेखा का जो ये किरदार है, बहुत ही डिवियस, बहुत ही ईविल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी वाली जो ये जो किरदार जो मैं प्ले कर रही हूँ, ये पहली बार ज़िंदगी में आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी हर एक्टर चाहता है, हर कलाकार चाहता है। एंड लेकिन जनता के लिए, मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है ही, इसलिए मैं इसमें अपना 200% दे रही हूँ। लेकिन जनता के लिए ये अपने आप में पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग, फ्रॉम फैंटेसी टू ड्रामा टू मैजिक टू यू नो मिस्ट्री। और हम बच्चे थे तो हम भी ऐसे शोज़ देखना पसंद करते थे, एंड आई एम श्योर हमारा ये शो राजमहल जो शिमारू उमंग पे आएगा, इसे बच्चे बूढ़े जवान सब पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड। सर रिद्धिमा, फर्स्ट टाइम आप ऐसे कैरेक्टर प्ले कर रही हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब आपको ये कैरेक्टर ऑफ़र हुआ था, तब आपने क्या सोच के? मतलब मुझे जब ये ऑफ़र हुआ था तो मैं बहुत हैप्पी थी, बिकॉज इतना डार्क, इतना स्ट्रॉन्ग, एंड क्या है ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हमेशा से मेरे कम्फर्ट जोन रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है स्ट्रॉन्ग प्ले करने में। तो लेकिन इसमें क्या था, दूसरे किरदारों के आसपास मैं बहुत ग्रेसफुल हूँ, बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत वेल बिहेव्ड हूँ, तो मेरे लिए ये जो डुअलिटी जीने वाली है ना चंद्रलेखा, ये चैलेंजिंग है। एंड सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि मैंने फैंटेसी ड्रामा नहीं किया, जिसमें आप अनइमेजिनेबल चीज़ें दिखा सकते हो जनता को, तो उसके चलते मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, हरकतें करनी पड़ती हैं, हार्नेस पे लटकना होता है, या फिर कहीं बोलते हैं ना ऊट पटांग चीज़ें करनी होती है, ऑफकोर्स अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए, जो मैंने कभी नहीं किया है। बट इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ टफ वन, बट आई लव चैलेंजेस, और मैं रोज़ जाके एंजॉय करती हूँ सेट पे। वेल, ये तो एक नेगेटिव कैरेक्टर हो गया, तो अगर फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फैंस जो होते हैं नॉर्मली नेगेटिव कैरेक्टर्स को काफ़ी नेगेटिवली लेते हैं, तो किस तरह से वो डील करते हैं आप? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है व्हेन इट इज़ फैंटेसी ड्रामा तो वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और पहले भी मैंने जब नेगेटिव किया है तो मुझे तो उतना ही प्यार मिला है। इनफैक्ट आई फील द लुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि आपका वो पहले नज़र में जो लुक इतना इम्प्रेसिव होता है दर्शकों को, 40% प्यार वहीं हो जाता है। तो वो स्टोरी लाइन, वो प्लॉट, और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप नेगेटिव भी बहुत कन्विंसिंगली प्ले करो, तो कहीं ना कहीं आप जनता के दिल में घर बना ही लेते हो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैड निखर के आए, क्योंकि अगर बैड निखर के नहीं आएगा तो गुड तो एकदम ढीला पड़ जाएगा ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैड निखर के आए, ताकि गुडनेस हैज़ इट्स वैल्यू। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट बोथ एग्जिस्ट एंड आर इंडिपेंडेंट। लुक के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा लगा आपको लुक? बेसिकली लुक बहुत अच्छा लगा, एंड आई लव द फैक्ट दैट पीपल हु हैव विजन्ड दिस कैरेक्टर एंड सीन इट इन अ पर्टिकुलर वे हैव गिवन दैट फेथ एंड दैट ट्रस्ट इन मी कि रिद्धिमा विल कैरी इट वेल। उन्हीं का विश्वास लेके आई थिंक आई एम कैरिंग इट ब्यूटिफुली। एंड मिनिमलिस्ट रखा है, एक यू नो एक प्लेन कलर दिया है, विच इज़ मेकिंग अ स्टेटमेंट। बहुत मिनिमम ज्वेलरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें से काफ़ी कुछ ज्वेलरी तो मेरी है एंड बैंगल्स हैं, क्योंकि पूरा ब्लैक अटायर है, इसमें गोल्ड और निखर के आ रहा है। आँखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, चंद्रलेखा सम्मोहित करती है लोगों को, शिकार करती है उनका, इसलिए उनकी आँखें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और होंठ डार्क है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आईज एंड लिप्स आर यू नो बोथ डार्क, तो मुझे लग रहा था बहुत गौरी लगने वाला है, बट आई वॉज सरप्राइज टू सी मी इन द ट्रेलर्स, आई लुक लाइक अ ड्रीम। सो ये आई थिंक वही कॉन्फिडेंस है या वही एंथुजियाज्म है, खुद को देखने के बाद मुझे लगा कि मैन यू आर अ रॉकस्टार, एंड यू नो आई एम हियर टू रियली रियली डू माय बेस्ट। यही कहना चाहूंगी कि 28 नवंबर को चंद्रलेखा आ रही है राजमहल में, मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे, देखना ना भूलें, वरना चंद्रलेखा उल्टा टांग देगी।